जैसा कि पता ही है दोस्तों, आज 17 तारीख है और विश्वकर्मा पूजा है। तो फाइनली हम लोग आज गाड़ी धुआने के लिए आए हैं और आज गाड़ी वगैरह वॉशिंग करवाएंगे, पूजा वगैरह भी करेंगे। तो चलिए पहले गाड़ी वगैरह वॉशिंग करवा के फिर कुछ सामान सब भी लेना है, पूजा का सामग्री सब सारा चीज लेके आपसे फिर मिलते हैं। गाइस जैसा कि अभी हम जो है गाड़ी चला कुछ देर ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंचे थे गाड़ी वॉशिंग करवाने के, वहां पहले से गाड़ी वॉशिंग हो रही थी। तो हम लोग फाइनली बंदा आ जाता है पहलू भाई के पास, छोला भटूरा खाता है। पहलू भाई उधर है अभी, सामने जो है गाड़ी सर्विसिंग हो रहा है वो बाजार मार्केट करोगे तब हो गया। यही है पहलू भाई, आइए आ गए भैया। मेरा गाड़ी का नंबर आता है गैस, तो मेरा गाड़ी जाता है वॉशिंग की जगह पे लगने के लिए। कुछ देर के बाद मेरा गाड़ी वॉशिंग होके कुछ इस तरह कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे पता नहीं ट्रैफिक के कारण हुआ या कैसे हुआ है। तो गाइस जैसे हम लोग दरभंगा पहुंचते हैं, दरभंगा के मेन जो राज की गेट होती है वहाँ पे एक कार जो है इतना भयानक ठुकती है, इतना भयानक ठुकती है जो कि दीवार देख रहे हैं दोस्तों, दीवार का कुछ नहीं होता है, कार का प्रखच्चा उड़ जाता है दोस्तों, जिसमें जो कि पता लगता है कि जो लोग थे वो भी घायल वगैरह होते हैं। तो कि ब्लड वगैरह नीचे आप देख सकते हैं कितना मात्रा में यहाँ पे बह रखा है और दीवार को कुछ नहीं होता है। ये दरभंगा महाराजा का दीवार के समय में ही बनाया गया था दोस्तों, वही दीवार है। कार का देख रहे हैं किस तरह का हालत हो गई है, बिल्कुल भी बचने के लिए लाइक नहीं बचाया कार्ड। गाइस लोग को आप लोग को पता है गाइस, विश्वकर्मा पूजा का दिन है, विश्वकर्मा पूजा के दिन में इन भाई का इतना बड़ा नुकसान हो गया, देख रहे हैं इतना वगैरह भीड़ वगैरह जो है लग गया है। फिर कुछ देर वेट करने के बाद जो कि गाड़ी आती है जो कि इस कार को जो है ना वहाँ से निकालने का कोशिश करते हैं, फाइनली जो है वहाँ से घीच तीर के वो निकालते हैं यहाँ से, क्योंकि जाम वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी और कार जो है बिल्कुल भी चलने के लिए लायक नहीं है। जो कि देख सकते हैं घिस भी रहे हैं तो इसका टायर वगैरह जो है ना फंस चुका है, नहीं चल पा रही है सही से। और आपको ना दोस्तों आगे से दिखाते हैं आगे से इसका क्या हाल हो रखा है, भाई का बहुत बड़ा जो है नुकसान हो गया है। अगर गाड़ी इंश्योरेंस में होगा तो फाइनली बन जाएगा, नहीं तो बहुत बड़ा जो है लगने वाला है इसमें। देखिए आगे से देख रहे हैं कुछ भी नहीं बचा है, गाड़ी भी न्यू गाड़ी ही है, शायद हमें लग रहा है भाई जो है ना सीख फूक रहे थे इस वजह से हैं जो ठुक गया है इनका गाड़ी। और देखिए यहाँ पर सारे लोग हैं, पुलिस प्रशासन वगैरह भी हैं सारे लोग, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ, वो बाल बाल बच चुके हैं। गाड़ी पूरा जो है एकदम ग्रस्ती क्षति हो गया है, बिल्कुल भी बचने के लायक नहीं है, देख सकते हैं। तो गाइस यही कहेंगे अगर आप लोग भी सीखते हैं ना तो प्लीज़ पब्लिक प्लेस में ना सीखे, किसी ग्राउंड या खाली मैदान में जाके सीखे, ताकि आप लोग का नियंत्रण खोए ना, नियंत्रण भी खोए ना तो आप लोग बच जाए, ऐसा ना हो कि दीवार वगैरह में जाके ठुक जाए। फिर हम आ जाते हैं घर, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा रहता है, गाड़ी को पूजा वगैरह ना करना रहता है। तो सबसे पहले हम गाड़ी में जो है चुनरी बांधते हैं, यहाँ पे लल्ला देख रहे हैं बैठ के मस्ती वगैरह कर रहा है लड़का। फिर उसके बाद जो है हम जो है गाड़ी के स्टेरिंग के पास जो है तिलक लगाते हैं, क्योंकि तिलक लगाना शुभ माना जाता है दोस्तों। तिलक लगाने के बाद फिर से जो है हम जो है गाड़ी के मिरर में भी जो है तिलक लगाते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों केला का पत्ता लाते हैं जो कि शुद्ध होता है। बोलो कुछ गाजी, छोटा लड़का कुछ बोलेगा बोलो। गाइस हेलो, हम लोग आज गाड़ी का पूजा करेंगे। हम लोग सबको सजा रहे हैं गाड़ी को। गाइस आपको ये वीडियो पसंद का आपको पसंद तो कमेंट कीजिएगा, आपके बेस कीजिएगा और वो टपन कीजिएगा। आए अगले वीडियो में मिलते हैं।
तो फाइनली दोस्तों बाबा विश्वकर्मा जी को हम अगरबत्ती दिखाते हैं, और अगरबत्ती दिखाने के बाद जो कि हम लोग जो है पूजा को जो है यहाँ पे संपन्न वगैरह करते हैं, और संपन्न करने के बाद सबसे पहले अंदर में जाते हैं, अंदर में भी अगरबत्ती वगैरह जो है कि दिखाते हैं, और जो कि आप लोग देख ही रहे हैं ये हमारे बाबा विश्वकर्मा जी है जो कि हम लोग को सही सलामत ले जाते हैं और सही सलामत ले भी आते हैं इन्हीं की कृपा से। तो इनको आज ही नहीं पूजना चाहिए, हर रोज़ ही पूजना चाहिए, क्योंकि यही हमारा जो कि। तो गाइस फाइनली पूजा कर ली, देखिए यहाँ पे गंगा जल छिटा रहा है और ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो गाइस देखिए ये हो गया बुलेट, अब बुलेट है रॉयल इनफील्ड का है बुलेट, ये हो गया गाइस स्कूटी, स्कूटी है यामा का हो गया, और ये हो गया पल्सर, अब पल्सर के बाद हो गया स्प्लेंडर। तो सबको हम एक एक करके दिखाएंगे, वीडियो पर बने रहिएगा। और देखिए यहाँ प्रक्रिया स्टार्ट हो गया है, देखो गाइस ये हमारा बुलेट है जो रेस कार के जैसा है ना। हाँ लल्ला की कर रहा है। तो गाइस लल्ला कुछ बताएंगे गाइस, तो इसका आवाज सुनिएगा, बताओ आप। ये जो बहुत तेज चलता है। अच्छा आइए गाड़ी, ये गाड़ी बहुत तेज, इसका क्या नाम हुआ? इसका नाम हुआ स्कूटी। हाँ नेक्स्ट गाड़ी दिखाओ, आगे आगे आगे, इसका नाम है बुलेट। अच्छा लग रहा है गाड़ी। हाँ अच्छा लग रहा है, कितना अपना अपना कितना प्यारा गाड़ी है। ऊपर आए थे इसको यहाँ से गाइस, ये है ब्लॉकर का स्कूटी, अच्छा इसी से, यही ब्लॉकर है जो इसी से ब्लॉक करते हैं। इसको यहाँ से लटका दो, तो गाइज हमने सारी गाड़ी को जो है पूजा पाठ करके जो है कि पूजा यहाँ पे हम लोग संपन्न करते हैं, अगरबत्ती वगैरह दिखा के, एक्चुअली प्रसाद वगैरह बांटते हैं। वीडियो अच्छा लगा